वेलकम टू संजीता शो दी एपिटाइजर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी एपिटाइजर। मैं हूं संजीता और आप सबका मेरे चैनल दी एपिटाइजर में स्वागत है। तो आज मैं फ्रेंड्स आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूं वो एक किड्स स्पेशल रेसिपी है और रेसिपी का नाम है कार्टून मैंगो पेनकेक। आप इस रेसिपी को बहुत ही कम समय में आप इसे बना सकते हैं, तो रेसिपी को आप फुल तक जरूर देखें। रेसिपी के लास्ट में मैं आपको कुछ मैं टिप्स दूंगी जिससे कि आपकी जो रेसिपी है वो बहुत अच्छी बने। और हाँ, बहुत लोगों की जो शिकायतें होती हैं कि वो अपने पेनकेक को राउंड शेप में नहीं बना पाते, तो आज मैं आपको इस रेसिपी में कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे कि आपका जो पेनकेक है वो पूरी तरीके से राउंड शेप में बन पाए। तो रेसिपी को आप खुद तक जरूर देखें और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट। कार्टून मैंगो पेनकेक बनाने के लिए मैंने मैदा, मैंगो पल्प, दूध, पिसा हुआ चीनी, बटर, बेकिंग सोडा, शहद, नमक, बेकिंग पाउडर और यहाँ पर मैंने काले अंगूर और साथ में मैंने केले के पीसेस लिए हैं। अब हम एक बॉल लेंगे और उसमें सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैंगो पल्प ले लिया है और अब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। दूध हमारा रूम टेम्परेचर पे है तो ये मैंने दूध को ऐड कर लिया और अब हम इसमें एक चम्मच बटर ऐड करेंगे। ये हमारा मेल्टेड बटर है, एंड नाउ मुझे अब इसे मिक्स कर लेना है। मैं एक विस्की की मदद से इसे मिक्स कर रही हूँ, आप चाहे तो चम्मच से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में कुछ टिप्स दूंगी पेनकेक से रिलेटेड, तो आप वीडियो को फुल तक ज़रूर देखें। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम एक छलनी लेंगे और अब इसमें हम मैदा को लेंगे। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें। मैं यहाँ पर लगभग 2 बड़ी चम्मच के बराबर यहाँ चीनी ऐड कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, साथ में बेकिंग सोडा और नमक ऐड कर ले रही हूँ और अब मैं इसे अच्छे से छान लूँगी। मैंने इसे अच्छे से छान लिया है तो अब मैं एक विस्की की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो स्पून से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे कि इसके सारे जो लम्स हैं वो टूट जाए और अच्छा सा एक स्मूथ बैटर हमारा तैयार हो जाए। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखला देती हूँ। इस टाइप का आपकी कंसिस्टेंसी होगी तो ये हमारा बनकर तैयार है और इसे मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। अब मैं मेल्टेड बटर से तवा को ग्रीस कर लूँगी एक ब्रश की मदद से। अब मैं 1 स्पून बैटर ऐड करूँगी। तो ये मैंने 1 स्पून बैटर ऐड कर दिया, मैंने इसे सेंटर में ऐड किया है और अब आप इसे थोड़ा सा स्पून की मदद से राउंड शेप दें। फ्लेम हमारा लो पर है, आपको पेनकेक लो एंड मीडियम फ्लेम पे करते हुए इसे आपको कुक करना है। 5 मिनट हो चुके हैं तो अब मैं इसे टर्न करूँगी। तो मैंने इसे टर्न कर लिया है और इसे मैं थोड़ा सा लाइटली प्रेस कर दे रही हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा पेनकेक तैयार है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ, ये देखिए। इसी तरह दोबारा से मैं पैन को ग्रीस कर लूँगी बटर से। अब मैं आपको एक राउंड कटर की मदद से पेनकेक बनाना सिखाऊंगी। तो इस तरह से आप एक कटर ले लें और इसे सेंटर पे रखें। कटर के अंदर से मैंने इसे बटर से ग्रीस कर दिया है ताकि जो है बैटर हमारा उस पर चिपके नहीं। और अब मैं इसके अंदर सेंटर में बैटर को ऐड कर रही हूँ। आप इसे अच्छे से स्प्रेड कर लें बैटर डालकर। इस तरह से अगर आप पेनकेक को बनाते हैं तो आपका जो पेनकेक है वो पूरी तरीके से राउंड शेप में बनेगा। ये बहुत ही आसान सा तरीका है आपका पेनकेक बनाने का। इसे आप अच्छे से स्प्रेड कर लें। फ्लेम हमारा लो पर है और इसी तरह से लो एंड मीडियम पे करते हुए आपको इसे कुक करना है। 5 मिनट हो चुके हैं तो अब मैं एक चिमटे की मदद से इसे मैं केयरफुली आप इसे उठा लें
तो ये देखिए मैंने इसे उठा लिया, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से हमारा जो पेनकेक है वो राउंड शेप में है। और अब मैं इसे टर्न कर लूँगी, तो ये मैंने इसे टर्न कर लिया और इसे मैं इस साइड भी 5 मिनट के लिए कुक करूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो है पेनकेक बनकर तैयार है, ये देखिए। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी, फिर से मैं बटर से पैन को ग्रीस कर लूँगी। अब मैं एक छोटी स्पून की मदद से 3 छोटे पेनकेक बनाऊँगी, जिससे कि मैं कार्टून का शेप बनाने में हमें मदद मिलेगा। तो आप इसे 3 राउंड शेप के छोटे आप पेनकेक बना लें। ये देखिए हमारे 3 छोटे पेनकेक बनकर तैयार हैं, तो मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये देखिए मैंने इतने सारे पेनकेक्स को बना लिए हैं, कुछ छोटे और कुछ बड़े, और अब मुझे इसे कार्टून शेप देना है। तो इसके लिए मैं एक प्लेट लूँगी और एक बड़े साइज का पेनकेक को मैं सेंटर पे रखूँगी, और अब मैं छोटे वाले पेनकेक से इसका कान बनाऊँगी। तो इस तरह से आप अरेंज करें, और अब मैं इसका मुंह बनाऊँगी। तो इसके लिए मैं एक छोटे वाले पेनकेक को रखूँगी, और अब मैं इसके आई के लिए मैं बनाना का एक पीस रखूँगी। अब मैं एक बनाने का पीस लूँगी और इसे रखूँगी, और अब मैं एक काला अंगूर लूँगी और इसे मैं कट कर लूँगी बीच से, और इससे मैं इसका आई बनाऊँगी। तो ये देखिए इस तरह से आप रखें। इसी तरह से और एक मैं लूँगी, मुझे इसके पीछे वाले साइड को लेना है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया और अब मैं इसे इस तरह से रखूँगी, और ये हमारा आई बनकर तैयार है। मैं एक और लूँगी और इसे भी मैं कट कर लूँगी, और इसे मैं इससे मुंह बना लूँगी, और हमारा जो है कार्टून मैंगो पेनकेक बनकर जो है हमारा तैयार है। ये देखिए कार्टून पेनकेक बनकर तैयार है, और अब मैं आपको इससे जुड़ी कुछ मैं टिप्स दूँगी। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो अब बारी है इसके टिप की। तो पहली टिप ये है कि मैंने यहाँ पर मैंगो पल्प का यूज किया है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ और भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर केला यूज करते हैं तो हाफ आपको मैंगो पल्प लेना होगा एंड हाफ आपको केला लेना होगा, और इन दोनों को अच्छे से मैश करके आप इसका यूज कर सकते हैं। सेकेंड टिप ये है कि मैंने यहाँ पर शुगर ऐड किया है, लेकिन अगर आपका मैंगो बहुत ज्यादा मीठा हो तो आपको यहाँ पर शुगर ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड टिप यह है कि आप यहाँ पर कॉन्डेंस्ड मिल्क का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ कॉन्डेंस्ड मिल्क यूज करते हैं तो आप वहाँ पर शुगर ऐड ना करें। कॉन्डेंस्ड मिल्क यूज करने से जो है आपका जो पेनकेक जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। फोर्थ टिप मेरा ये है कि मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है बैटर को बनाने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर पानी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूध से बनाते हैं तो इससे जो है आपका पेनकेक का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फिफ्थ टिप मेरा ये है कि आप बैटर बनाते वक्त इसे बहुत ज्यादा मिक्स ना करें। इससे क्या होगा कि वो एक क्रीमी टेक्सचर में चेंज होने लगेगा, और जब ये क्रीमी टेक्सचर में चेंज हो जाता है तो आपका जो है पेनकेक जो है फ्लॉपी नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसे इतना ही मिक्स करना है कि जिससे कि इसके जो लम्स हो वो अच्छे से टूट जाए। सिक्स्थ टिप मेरा ये है कि मैंने यहाँ पर मैदा का यूज किया है। आप चाहे तो यहाँ पर आटे का भी यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।